हेलो वर्ग सिक्स के स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आपके क्लास के एक्सरसाइज 10 सरिता का बहता जल आज मैं आप लोगों को सरिता का बहता जल यह बताने जा रहा हूँ। यह सरिता का बहता जल यह क्या है? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, इस शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सरिता, सरिता का मतलब सोच के देखिए, सरिता का मतलब पर्यायवाची शब्द को याद करना होगा व्याकरण में। सरिता का मतलब जहाँ से पानी निकलता हो, दैट मीन्स झरना, जहाँ से पानी निकलता हो दैट मीन्स झरना, बहता जल। और वह जब वहाँ से निकलती है तो वह अपने प्रवाह के साथ बहती चली जाती है। इसको गोपाल सिंह नेपाली ने, देखिए गोपाल सिंह नेपाली कवि का नाम है, इस कवि ने इसको जो लिखा है तो ऐसी कविता है जिसमें आपको गोपाल सिंह नेपाली का प्रकृति के प्रति प्रेम उजागर होता दिखाई देगा। देखिए प्रकृति प्रेमी कवि गोपाल सिंह नेपाली, प्रकृति के प्रति जो उनकी श्रद्धा उनका प्रेम है वह उमड़ता हुआ दिखाई देगा। और यह दर्शन आपको कविता के माध्यम से ही, अगर आप अर्थ को भावपूर्ण समझते चले जाएंगे तो कविता के माध्यम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है, क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़े से भावुक हो जाइए आप भी और देखिए कि बहता जल क्या है, वह क्या सोच रहा है। जल के बारे में देखिए, झरना की सोच के बारे में कवि ने कहा है, क्या कहा है? यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल नित, कितना निर्मल। जब आप पास जाइएगा उसके, उस झरने के पास जाइएगा, जब आप उसमें अपने हाथ डालिएगा, जब उस पानी को अपने हाथ का स्पर्श कीजिएगा तो एकाएक लगेगा कि आपके हाथ में ठंडक का एहसास हो गया। शीतल निर्मल पवित्र एकदम पानी शीशे के जैसा साफ दिखाई देगा वो। अब देखिए उसके बाद क्या कहा है कवि ने, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, देखिए कविता पढ़ने की भी एक शैली होती है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। हिमगिरी के हिम से मतलब, अब देखिए शब्द को जानिएगा तब जानिएगा। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब होता है हिम, दो शब्द है उसमें हिम और गिरी। हिम का मतलब होता है बर्फ और गिरी का मतलब होता है पहाड़। तो हिमगिरी से के हिम से निकल निकल, तो हिमगिरी बर्फ के पहाड़ से उसमें का पानी निकलता है और वह जब अपनी गति पकड़ के नीचे की ओर पहाड़ों से दरकता हुआ नीचे जाता है तो वह पूरा वेग से नीचे जाता है। रखता है तन में इतना बल, वह जो वहाँ से निकलता है तो वह अपने शरीर में इतना फोर्स, इतनी गति लेकर के नीचे निकलता है कि वह आवाज़ वहाँ पर आदमी को दहाड़ता हुआ सा महसूस होता है। यह लघु सरिता का बहता जल, फिर देखिए कि यह सरिता फिर वहाँ से निकल कर के छोटे से गलियारे होते हुए कहीं झील के रूप में, कहीं झरना के रूप में, फिर आगे एक पहाड़ को छोड़कर दूसरे पहाड़ की ओर बढ़ता चला जाता है। अब इसके आगे देखिए, निर्मल जल की यह तेज धार, देखिए यहाँ निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार। निर्मल जल की यह तेज धार, पहाड़ से निकलते हुए जो वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ ऊंचाई से गिरते हुए तो उसकी धारा बढ़ती चली जाती है, तीव्र होती चली जाती है और अपने मार्ग में आने वाले जितने अवरोध होते हैं उसको वह अपने साथ बहा कर ले जाती है। इतना ही नहीं, वह पहाड़ों का सीना चीर करके आगे बढ़ती चली जाती है। निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, बार बार थकती नहीं है, गिरती उठती है, उसका प्रयास हमेशा आगे बढ़ने का होता है। देखिए यह बच्चों को भी कितनी अच्छी सीख देता है, प्रेरित करता है कि हार से, पराजय से कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कहीं गिर गए तो गिरे हुए नहीं होना चाहिए, फिर से उठ के संभलने का मौका मिलता है हमें, हमें संभल कर फिर खड़ा होना है और खड़ा होते हैं। इस तरह से दो पद को आज मैंने बताया, फिर कल मैं आपको इसी के शेष को बताऊँगा।